नमस्कार। तेज जिंदगी का ये आलम है दोस्तों, सुबह का गम भी शाम को पुराना लगने लगता है। तो आइए एक नए वीडियो के साथ हम फिर से शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले पिछली बार के जैसे आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और अच्छा नहीं लगे तो इसे डिसलाइक कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए, जो कि बहुत ही उपायक होगी इस गर्मी के मौसम में। जैसे कि ये वीडियो के टॉपिक से आपको पता चल गया है कि इस गर्मी के मौसम में हम हमारे कार और बाइक को कैसे गर्म होने से थोड़े बचा सके। तो जैसे आप लोग जानते हैं कि गर्मी का मौसम शुरू हो चुका है, और इस गर्मी के मौसम में जब भी हम अपने प्यारी गाड़ी में जाते हैं वो हमें गर्म भट्टी सा लगने लगता है। तो आज मैं इसी विषय में बात करने जाऊंगा और कुछ ऐसे टॉपिक्स में और ऐसे विषय में बात करूंगा जिससे आपको गर्मी थोड़ी कम लगे अपनी प्यारी गाड़ी पर जाते समय, और इससे आपको मदद होगी। तो आइए कुछ टॉपिक पर हम बातचीत करते हैं। पहला है टायर्स। टायर एक इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारे गाड़ी में, जो हमारे डे टू डे यूजेज में बहुत ही इम्पोर्टेंट प्ले रोल करती है, पर हम इसे नेग्लेक्ट करते हैं। और इसी के कारण हाई स्पीड पर जब भी हम इस टायर को चलाते हैं तो टायर बस्ट होने की या एक्सीडेंट्स, मेजर एक्सीडेंट्स, माइनर एक्सीडेंट होने का खतरा बढ़ जाता है इस गर्मी के मौसम में। तो हम इससे कैसे बचे? पहले जो उपाय है, हमारे गाड़ी के ड्राइवर साइड में आपको लिखित तौर पर मेटल पर दिया गया है कि टायर प्रेशर कितने होने चाहिए, तो हमें उसके अनुसार भरनी चाहिए। पर इस गर्मी के मौसम में आपको 3 से 4 PSI माने प्रेशर स्क्वायर इंच, जो हम हवा टायर में भरते हैं उसे 3 से 4 PSI हमें भर के रखने चाहिए। इससे मदद क्या होती है, जब भी हमारी गाड़ी का टेम्परेचर 10 डिग्री बढ़ जाता है, माने जब भी आउटसाइड टेम्परेचर 10 डिग्री से बढ़ जाता है तो टायर का प्रेशर भी उस अनुसार कम होते रहता है। तो मानिए आपका गाड़ी का टायर का जो प्रेशर है वो आपका 33 है, तो आपको लगभग 36 से 37 PSI भरना चाहिए। तो इससे होगा क्या, जब भी आपका गाड़ी मूवमेंट में है और मूवमेंट में होने के कारण टायर गर्म होता है, और गर्म होने के कारण प्रेशर भी उसके अनुसार बढ़ती रहती है, और प्रेशर बढ़ने के कारण अंदर से जो PSI का प्रेशर है वो भी कम होने लगता है। तो जब भी गाड़ी चलाइए तो टायर प्रेशर चेक कीजिए और आगे बढ़िए। अगर टायर बहुत ही खराब हो चुका है तो चेंज कर लीजिए। दूसरा जो है वो है एयर कंडीशन। हम इस गर्मी के मौसम में जैसे ही अपने प्यारी गाड़ी पर बैठते हैं तो हम फुल ब्लास्ट में AC लगा देते हैं, जो कि गलत है। हमें AC चालू करने से पहले गाड़ी के चारों दरवाजे के जो खिड़की है वो नीचे कर दीजिए, और 4 से 5 मिनट तक गाड़ी को ना चलाइए, और उसके बाद गाड़ी को चलाइए पर बिना AC के 4 से 5 मिनट तक और चलाइए। तो लगभग आपके पास 10 मिनट के गैप में आपका जो टेम्परेचर है गाड़ी का, आउटसाइड से इनर टेम्परेचर जो है गाड़ी का, वो कम हो जाएगा, और उसके बाद आप AC चलाइए। इससे होगा क्या, आपके AC कंप्रेसर में प्रेशर नहीं पड़ेगा, और आपका गाड़ी का जो इंजन का मेंटेनेंस है वो भी कम रहेगा, और इसी कारण आपका AC का जो मेंटेनेंस है वो आपको कम देगा। और AC इस गर्मी के मौसम में आप AC लगाने से पहले एक अच्छे मैकेनिक को दिखा के उसको दुरुस्त कीजिए, और अगर गैस कम हो तो गैस भरवाइए, और अगर आपको लगे कि इसे रिफ्यूलिंग करना है तो रिफ्यूलिंग कीजिए। तो
ये एयर कंडीशन आप इस गर्मी के मौसम में बढ़िया से यूज कर पाएंगे। एयर कंडीशन एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है आपके इस गर्मी के मौसम में, क्योंकि गर्मी के मौसम में बहुत ही ज्यादा टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो एयर कंडीशन को इस्तेमाल करने से पहले ये उपाय जरूर करिए। तीसरा जो पॉइंट है वो है रेडिएटर और फ्लूइड। एक अच्छे क्वालिटी का कूलेंट बहुत जरूरत है इस गर्मी के मौसम में, जो कि रेडिएटर को ठंडक पहुंचाती है और इसी के कारण सबसे ज्यादा ब्रेकडाउन होती है अगर हम अच्छी कूलेंट इस्तेमाल ना करें। तो मेरी एक सलाह है कि हमेशा इस गर्मी के मौसम में गाड़ी चलाने से पहले अपने रेडिएटर को चेक करें, और अगर कूलेंट ना हो तो उसके जगह में अपना पानी ना भरे और अच्छे क्वालिटी का कूलेंट यूज करें। और एक अच्छी सलाह यह होगी, कूलेंट का अगर कोई छोटा पाउच मिलता हो तो वो अपने गाड़ी पर रखिए और जरूरत पड़ने पर इस्तेमाल कीजिए। चौथा जो है वो है इंजन ट्रांसमिशन एंड ऑयल। इस गर्मी के मौसम में सब लिक्विड पदार्थ एवापरेट होके उड़ जाती है, तो इंजन ऑयल भरा कैसे दूर रहे? तो एक गाड़ी हम चालू करने से पहले इंजन को अच्छे से चेक कर लीजिए, और अगर इंजन ऑयल कम हो तो उसे टॉप अप कर लीजिए, क्योंकि अगर इंजन ऑयल टॉप अप नहीं करेंगे तो लॉन्ग रन में इस गर्मी के मौसम में इंजन ब्रेकडाउन होने का खतरा बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगा। तो एक अच्छे क्वालिटी का इंजन ऑयल इसमें इस्तेमाल कीजिए, और अगर उसे टॉप अप कर सकते हैं तो टॉप अप कीजिए, और इस गर्मी के मौसम में आपको ये मददगार होगी। पांचवा जो पॉइंट है वो है होसेस एंड बेल्ट्स। गर्मी के मौसम में बेल्ट्स जो इंजन बे में लगे होते हैं, बेल्ट्स और होसेस, उसे हमें चेक करते रहना चाहिए, क्योंकि गर्मी में रबर प्लास्टिक के चीजेस बहुत ही ज्यादा वेयर एंड टियर होती है। इसका मुख्य कारण है गर्मी में बहुत ही ज्यादा टेम्परेचर बढ़ जाता है, और इसके कारण जो रबर के कंपोनेंट्स या प्लास्टिक के कंपोनेंट्स इंजन बे में लगे हैं वो अतिरिक्त गर्मी के वजह से या तो क्रैक हो जाती है या तो उसमें दरार आ जाती है। तो यह दरार आने से पहले आप अगर चेक कर ले तो बहुत ही अच्छा होगा आपके इंजन को बंद होने से इस गर्मी के मौसम में, और हो सके तो उसे टाइट कीजिए होसेस को, और बेल्ट अगर लूज हो जाए तो उसको भी टाइट कीजिए, और अगर चेंज करना पड़े तो बहुत ही अच्छा, तो चेंज कर लीजिए इस गर्मी के मौसम में, ताकि आपको कोई मुसीबत ना हो लॉन्ग रन में इस गर्मी के मौसम में, अगर आप लॉन्ग ड्राइव में गए हैं या अपने गाड़ी को लेके कहीं पर दूर जाना चाहते हैं। तो होसेस और बेल्ट्स को बहुत ही अच्छे से टाइट कर लीजिए। छठवां जो पॉइंट है वो है बैटरी। गर्मी के मौसम में बैटरी भला दूर कैसे रहे? तो सबसे ज्यादा प्रेशर बैटरी पे आती है जब हम इंजन को स्टार्ट करते हैं। ये पूरे इलेक्ट्रिकल सिस्टम अपने गाड़ी पर यही ऑपरेट करती है, और अच्छी तरह से करंट सप्लाई बैटरी ही पहुंचाती है। तो बैटरी में हमें ध्यान देना चाहिए कि अगर बैटरी में फ्लूइड कम हो तो फ्लूइड भरवाइए, अच्छे बैटरी ऑपरेटर के पास जाइए और उससे बैटरी के बारे में सलाह लीजिए। अगर फ्लूइड भरना है तो टॉप अप कर लीजिए फ्लूइड को, और अगर वो सलाह देते हैं कि चेंज करना तो जरूर उसे चेंज कर लीजिए। और एक और चीज अगर जो आप ध्यान दे सकते हैं वो है बैटरी के टर्मिनल, पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल में अगर करोजन आया है तो उसे अच्छी तरह से ग्रीसिंग कीजिए अपने लोकल मैकेनिक के पास, और गाड़ी अच्छे से चलती रहेगी। सातवां जो पॉइंट है वो है पॉलिश और प्रोटेक्शन। पॉलिश और प्रोटेक्शन सुनते ही हमें लगता है कि ये एक कॉस्मेटिक बदलाव है जो हमें गाड़ी में लगाने चाहिए, ऐसे नहीं है। पॉलिश और वैक्सिंग करने से हमारे गाड़ी में ना सिर्फ गाड़ी चमकती है, ये हमें टेम्परेचर को कम रखने में भी मदद करती है। जैसे हमारी देश में इस गर्मी के मौसम में जो टेम्परेचर है वो 45 से 50 डिग्री तक कहीं कहीं पर पहुंच जाती है, तो पॉलिश और वैक्सीन से होगा क्या? पॉलिश और वैक्सीन से हमारे गाड़ी के अंदर जो भी
प्लास्टिक के पार्ट्स है या रबर के पार्ट्स है, उसमें हीट के कारण अगर कोई दरार आती है या क्रैक्स आती है या उसमें कौन अनइवन चीजें आती है, वो कम आती है क्योंकि गर्मी वैक्सिंग और पॉलिशिंग कम कर देती है, हर गाड़ी के अंदर टेम्परेचर को कूल करती है। वैक्सिंग से होता क्या है, हमें लगता है वैक्सिंग और पॉलिशिंग करने से गाड़ी का जो कॉस्टिंग है, हमारे मेंटेनेंस कॉस्टिंग, वो बढ़ जाती है। ऐसी नहीं है, गर्मी के मौसम में एक बार अच्छे से अच्छी जगह से पॉलिश और वैक्सिंग करने से टेम्परेचर को ना सिर्फ हम अंदर कंट्रोल कर सकते हैं, किसी हद तक कम कर सकते हैं, और इससे हमें इनर टेम्परेचर आउटर से थोड़ा कम हो सकती है, और ये बेनिफिट है एक लॉन्ग रन के लिए इस गर्मी के मौसम। तो ये कुछ उपाय थे मेरे तरफ से कार को बचाने के लिए इस गर्मी के मौसम में टेम्परेचर को कम करने के लिए। बाइक्स के लिए बहुत कम उपाय है, जो भी उपाय है मैं वो बताऊंगा। पहले तो लाइट कलर के ड्रेस पहनिए, लाइट कलर के हेलमेट पहनिए, जिससे होगा क्या, आपको गर्मी कम आएगी अंदर की तरफ और इससे आपको मदद होगी कुछ टेम्परेचर अपने सर को बचाने के लिए, क्योंकि गर्मी के मौसम में बहुत ही ज्यादा टेम्परेचर बढ़ जाता है। और लाइट कलर के ड्रेस, लाइट कलर के हेलमेट पहनने से होगा क्या, आपको टेम्परेचर कम लगेगी। दूसरा जो है वो आप लाइट कलर के बेलक अलवेड़ा मैं इमेज देता हूँ। बेलक अलवेड़ा एक बहुत अच्छी चीज है, ना सिर्फ ये गर्मी के मौसम में हमें थोड़ी सी राहत देती है अपने फेस की तरफ, ये टैन से भी बचाती है, और इस पॉल्यूशन में ये बेलक अलवेड़ा एक अच्छे मास्क की तरह यूज होती है, तो बेलक अलवेड़ा आप यूज कर सकते हैं। तीसरे जो पॉइंट है वो है आप एक अच्छी सनस्क्रीन लगाइए, जिसमें SPF 30 हो तो बहुत ही बढ़िया, इससे टैन से आप बच सकते हैं और टैनिंग का खतरा और स्किन में रिएक्शन का खतरा इस गर्मी के मौसम में कम रहेगी। तो ये कुछ उपाय थी बाइक्स के लिए, और इसी के साथ साथ आप कार्स के कुछ उपाय जैसे बैटरी, और इसके साथ साथ इसके जो इंजन को चेक कर सकते हैं, बैटरी को चेक कर सकते हैं, ये सब पॉइंट्स आप कार के रिलेटेड ले सकते हैं। तो मेरे ओर से ये कुछ उपाय थी गर्मी के मौसम में गर्मी कम लगे अपने कार और बाइक में। आखिर में एक अच्छा मैसेज, सीट बेल्ट पहनिए, हेलमेट पहनिए, सुरक्षित रहिए। बाय बाय।